हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम, मैं पवन यादव। गाइस, आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये देखो, आज काफ़ी दिन बाद बारिश हो रही है और 5 दिन से लाइट ख़राब थी और आज जाके लाइट बनी है। और इधर देखिए, ये देखो गाइस, कितना हरा हरा हो गया सब कुछ और हवा काफ़ी तेज़ चल रहा है और मौसम देखिए कितना ख़राब हो गया है। आज का काफ़ी भयंकर बादल हो गया है। गाइस देखिए, बारिश हल्का हल्का चालू हो गया है। देखिए इधर बाईपास की तरफ ये जो टावर दिख रहा है, यहीं पे है देवकाली बाईपास। और इधर देखिए मौसम कितना तेज खराब हुआ है, हवा बहुत तेज चल रहा है। ये देखिए नीम का पेड़ है हमारे घर के पास में। गाइस, अब जाके बारिश बंद हुई है और हम अभी जालपा के पास हैं और बारिश हल्की हल्की हो रही है बट रुक गई है और काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है क्योंकि 4-5 दिन से बारिश होने की संभावना थी बट बारिश हो नहीं रही थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। चले आगे चलते हैं फिर। ये है गाइस जालपा चौराहा। देखिए राम पैंडी का कुछ सीनरी बनी हुई है, श्री राम की पैड़ी। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। तो गाइस, हम सरयू नदी के पास हैं और बारिश तो आज बहुत तेज हुई है। ये देखिए बच्चे कैसे खेल रहे हैं। आज सारी नाव बंद हैं, दिखाता हूं मैं आपको। तो गाइस, सारी नाव आज बंद है, आज कोई नाव नहीं चल रहा है। उस साइड देखिए लाइन से सब नाव खड़ी हैं और बादल कितना अभी भी घेरा हुआ है चारों तरफ। देखिए मौसम अभी बारिश का बना हुआ है। गाइस बरसात आ गया है, सावन का महीना है तो लाजमी है बारिश होने का। और ये देखिए गाइस कैसे उस पार से इस पार आ रहे हैं नाव से, ऐसे आते हैं गांव में सब लोग। अगर नदी उस पार जाना रहता है तो ऐसे जाते हैं, उस तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ सब्जी वगैरह बोए हैं तो इसीलिए लाते हैं वहाँ से, तो नाव पर बैठ के ही लाते हैं। गाइस धीरे धीरे बारिश की वजह से देखिए नदी बढ़ रही है अब। और इधर देखिए काफ़ी ज़्यादा नदी है, यहाँ देखिए सीढ़ी तक आ गई है। देखिए पहले वहाँ तक थी, रेता वहाँ तक था, उसके बाद देखिए सीढ़ी तक आ गई है पानी, अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे यहाँ तक आ जाएगी। देखिए और सावन की वजह से जो कंवरिया वाले होते हैं इनकी वजह से ये देखिए यहाँ पे बांस बंधा हुआ है नहाने के लिए यहाँ से वहाँ तक। देखिए बांध कितना तगड़ा बना हुआ है, देखिए ईंटे से पूरा इतना ऊँचाई पर बना है। देखिए और इतनी ऊँचाई पर ये घर बना हुआ है, यहाँ से इतना ऊँचा है ये और ये बांस टाइप में बनाया गया है। और ऐसे जाएँगे आप तो स्वर्गवाला घाट, जो स्वर्ग घाट पहुँच जाएंगे। और गाइस बारिश की वजह से देखिए सीढ़ियाँ कितनी साफ़ हो गई, नीट एंड क्लीन, काफ़ी ज़्यादा साफ हो गया है। और उस साइड देखिए, और देखिए बांध कितना बांस से बंधा हुआ है। हमारा पैर गंदा हुआ है तो इसमें अभी पैर धुलेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा डर पानी से लगता है। अच्छा, आग से मुझे डर नहीं लगता बट पानी से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं नदी से काफ़ी दूरी बना के रखता हूँ, अभी कहीं फिसल जाए तो। देखिए गाइस बारिश हो गया है तो इतना भर गया है पानी इधर बेनीगंज वाले रोड पे। हम पैदल चल रहे हैं, गाड़ी हमारी वह कुछ दूर खड़ी है। गाइस अभी हम पहुंचे हैं देवकाली मंदिर और सावन का मेला भी चालू होने वाला है तो देवकाली के पीछे देखिए काफ़ी बड़ा झूला लगा है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गाइस काफ़ी बड़ा ये लगा है झूला, घूमता है और इसके पीछे ही जस्ट अभी लगेगा मेला, लमसम 5-6 दिन में ये लग जाएगा, अभी तो स्टार्टिंग हुई है लगने की। और ये देखिए काफ़ी प्यारा लग रहा है बारिश होने के बाद। इस साइड देखिए बारिश की वजह से काफ़ी सफाई लग रही है और देखिए पानी कितना हरा हो गया है, दिखने में हरा लग रहा है बट ये हरा है नहीं। इन लोगों को पता चल जाता कि दादाजी चना लेकर आ रहे हैं। दादा वाह भाई वाह, और दादा जियो 200 साल। तो गाइस आपने देखा बंदर कितने समझदार होते हैं, दादाजी चना लेकर जा रहे थे और उन लोगों को आवाज़ पहले ही हो गया कि उसमें चना है क्योंकि पर डे वो काम करते हैं और चना लेकर आते हैं तो उनको खिलाते हैं, तो आपने देखा ही। जैसे चलते हैं आगे। जो आप ये कोठी देख रहे हैं ये मनोचा जी की कोठी है, काफ़ी पुरानी, पहले के जो राजा थे यहाँ के देवकाली की उनकी ये कोठी है। आगे से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और पीछे का ये हिस्सा है मंदिर के पीछे बना हुआ है। देखिए वो पीछे कुछ ऐसे बचा हुआ है वो भी है, उन्हीं पूरा ये कंपार्टमेंट पूरा उन्हीं का आता है। तो हमारे पीछे आप देखिए ये है सीताराम मंदिर, देवकाली बाईपास के पास है और मेन ये हनुमान मंदिर है, काफ़ी बढ़िया बन गया है। ये देखिए ये है सीताराम श्री हनुमान गढ़ी देवकाली, काफ़ी बढ़िया बन गया है गाइस। और यहाँ पे भंडारा भी होता है, देखिए हरे भरे पेड़ हैं यहाँ पे। और ये जस्ट देवकाली जाने वाले रास्ते के किनारे पे ये है, जस्ट बगल में पार्ले फैक्ट्री भी है और उसी के जस्ट बगल में ये बना हुआ है। तो गाइस इस वीडियो का भी एंड करते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, बाय।